हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? आज का मेरा टॉपिक थोड़ा हटके है, हाउ टू हील मनी ब्लॉकेजेस। हालांकि ब्लॉकेजेस तो हमको हील करना ही है, इसमें से एक मनी ब्लॉकेज भी हील करना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एंड मुझे आप में से बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, मैम फाइनेंशियल प्रॉब्लम को कैसे दूर करें। कल भी कोमल का मुझे मेल आया था और बहुत सारे इससे कनेक्टेड मेल्स आ रहे थे और मैंने किसी वीडियो में कमेंट भी किया था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। हाँ, वन मोर थिंग, जो कल टास्क मैंने आपको दिया था, आप लोगों के बहुत सारे बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रॉइंग्स मुझे मेल पे इंस्टा पे आ रहे हैं और मुझे उस पर वीडियो बनाना है कि जो मैंने टास्क दिया था उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो मैं उस पर वीडियो आपको बनाऊंगी, बट आपको मैं आज का दिन और दे रही हूँ, इसलिए मैंने आज टॉपिक ले लिया हाउ टू हील मनी ब्लॉकेज। और आज तक ही आप लोगों को अपनी सब पेंटिंग बना के मुझे पोस्ट करनी है और फिर कल मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी कि मैंने आपको वो टास्क क्यों दिया। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि मनी ब्लॉकेज, तो मतलब ब्लॉकेज क्या है? मनी नहीं, मनी इज नॉट द ब्लॉकेज, बट जो मनी के फ्लो को आने नहीं देता है, रोकता है, वो ब्लॉकेज है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा पैसे तो हाथों का मैल होते हैं। ठीक है, पैसों से मोह नहीं करना चाहिए। इसे हमारे बुजुर्ग लोगों ने या हमारे सोसाइटी में हमने इसको एक प्रोग्रामिंग बना दिया है। अरे मैडम सेशन के पैसे लेती हैं ओके क्यों नहीं भाई, एनर्जी एक्सचेंज इज इम्पॉर्टेंट। और आफ्टर माई ऑनेस्ट वीडियोज, इसके बाद माई प्राइवेट टाइम इज प्रेशियस। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये सीखना है कि हाउ टू रेस्पेक्ट योर टाइम एंड योर मनी। ठीक है, तो बिल्कुल पैसे हाथों का मैल नहीं होते हैं। ये प्रोग्रामिंग आपको अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करनी है, तभी मनी ब्लॉकेज आपका हील होगा। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। ये हमारी कहावतें हैं, पैसे तो हाथों का मैल है, पैसे तो माया है और पैसों से मोह नहीं होना चाहिए, फिर भी आज हर कोई पैसों के लिए भाग रहा है। क्यों? क्योंकि पैसा इम्पॉर्टेंट है। रेस्पेक्ट मनी, अगर आप मनी की रेस्पेक्ट करोगे तो मनी आपकी रेस्पेक्ट करेगा। यस, आपके इंटेंशन अच्छे होना चाहिए। अब देखो, अति हर चीज़ की बुरी होती है। अब जो लोग घपले करके अपने घर के बिस्तरों के नीचे गड्ढियाँ इकट्ठा करके सरकार को धोखा दे रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। राइट, तो हमको एक स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए कि हमें कितना पैसा चाहिए, कितने और कितने समय में चाहिए। अगेन सेकेंड थिंग, स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो सबसे पहले आपको पैसे को रिस्पेक्ट करना है कि नहीं, मनी इज योर फ्रेंड, मनी इज योर नेसेसिटी, यू शुड लव मनी। क्योंकि जिस चीज को आप लव नहीं करोगे उसको आप अट्रैक्ट कैसे करोगे? तो यू शुड लर्न टू लव मनी। और ये मनी को प्यार करने से पहले आपको ये अफर्मेशन, जो ये सोसाइटी प्रोग्रामिंग है ना कि पैसे तो माया है और हाथों का मैल है, इसको अपने दिमाग से बिल्कुल रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। पैसे कोई बुरी चीज़ नहीं है, यू शुड लर्न टू लव मनी। और जिस चीज़ पे को आप लव करोगे, उस पर आपका फोकस होगा, वही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे। तो एक तरफ हमको पैसा चाहिए होता है, दूसरी तरफ हम लोग कहते हैं पैसे तो हाथ का मैल है, कैसे आएगा? एक तरफ हम पैसे को बुरा बुरा बोलते रहते हैं, ठीक है ये तो माया है, ठीक है, तो फिर आप पैसा अट्रैक्ट कैसे करेंगे? सो यू नीड टू हील योर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, और सबकॉन्शियस माइंड को हम लोग कुछ अफर्मेशंस दे के हील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बिल्कुल जिनको मनी ब्लॉकेज है वो बोलिए, आई लव मनी, आई एम अट्रैक्टिंग मनी। ठीक है, आई पे ग्रैटिट्यूड फॉर द मनी। ठीक है, आई एम गेटिंग मोर एंड मोर मनी फ्रॉम
different sources. I'm attracting more and more opportunities to generate more money. ये affirmations आपको बोलना है, आपको अपने उस subconscious mind को reprogram करना है जिसने ये set करके रख लिया है money is bad. ठीक है, तो आपको बोलना है I love money. I am generating more and more money from different sources. I am attracting opportunities to get more and more money. ठीक है, I pay gratitude to the universe for the money, और universe को gratitude pay करना है. Second thing, मैंने strategy की बात की थी, आपको कितना money चाहिए, आपको उसका अपने mind पे एक visualization होना चाहिए. मुझे इतना per annum चाहिए, हर साल मुझे इतना earn करना है, उसको आपको और कितना साल, एक साल में मुझे इतना money generate करना है. या आप उसको शॉर्ट टर्म भी बना सकते हैं गोल, शॉर्ट टर्म गोल कि मुझे एक महीने में इतना मनी जनरेट करना है. ठीक है, तो यू मेक द स्ट्रेटजी. अब आपने स्ट्रेटजी बना दी कि मुझे एक महीने में 50,000 रुपए अर्न करने हैं, ये आपने सेट कर दिया. अब आप सेकेंड स्ट्रेटजी है कि आप पॉसिबिलिटी बनाइए कि मैं कहाँ कहाँ से इस मनी को अट्रैक्ट कर सकती हूँ. ठीक है, तो यू नीड टू मेक द स्ट्रेटजी. ज़रूरी नहीं है कि एक तरीके से एक सोर्स से आपको पैसा नहीं आ रहा है तो यू कांट चेंज द सोर्सेज. ठीक है, यू कैन ट्राई टू ट्रायल एंड एरर योर सोर्सेज. ठीक है, देन जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई, विजुलाइज की, उस पर अब आपको एक्शन लेना है. ठीक है, और एक्शन का जो है उसमें यू शुड हैव द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड. यू शुड हैव एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड मीन्स, मेरा बोलने का मतलब क्या है कि जो आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो, जब तक आपका आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आपका ग्रैटिट्यूड वाला एटीट्यूड नहीं होगा, मनी आपके पास नहीं आएगा. ठीक है, सेकेंड थिंग, तो ये अफर्मेशंस हो गया. उसके बाद हम मनी अट्रैक्ट करते हैं अपने चक्रा से भी. आप बेस चक्रा पे वर्क करिए, मैंने कई बार बोला है रूट चक्रा पे आप वर्क करिए. ठीक है, आप मनी जनरेट करेंगे. सेकेंड, हम लोग ऑरा क्लेंजिंग करते हैं. ऑरा क्लेंजिंग मतलब हमारे घर की पॉजिटिविटी, राइट? तो अगर आपके घर में कहीं भी नेगेटिविटी है तो मनी ब्लॉकेजेस उस पर फर्क पड़ता है. इसको हम लोग, आपका एंट्रेंस हमेशा क्लीन होना चाहिए, आप जिस रूम पे मनी, जहां आप अपने मनी को रखते हो वो जगह बहुत साफ होना चाहिए. अब साफ से मुझे याद आया वॉलेट, आपके वॉलेट जो होता है वो हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए. उसमें वो चीज़ें नहीं होना चाहिए जो मनी को आउटफ्लो करती हैं. लाइक अगर आपने रिसिप्ट वगैरह रखी हुई है, वहीं आपके पैसे भी हैं आपके वॉलेट में या आपके पर्स में, और उसमें आपने सारे बिल्स भी डाल दिए, बिल्स भी हैं, रसीदें भी हैं, जो मनी इज़ व्हाट, मनी इज़ एनर्जी, राइट? और जो भी बिल्स हैं वो भी एनर्जी हैं. मनी जो है एनर्जी है वो इनफ्लो वाली है, और जो रसीद जो होती है, बिल्स होते हैं, वो आउटफ्लो वाली. अब अगर आपने इनफ्लो वाली एनर्जी और आउटफ्लो वाली एनर्जी को साथ में रख दिया तो आपका पैसा टिकेगा कैसे, राइट? तो हमेशा अपने बिल्स को आप एक सेपरेट फाइल में रखिए, नॉट इन योर पर्स. ठीक है, आपको कहीं से बिल मिला, ठीक है, आपने पर्स में उस वक्त रख दिया, पर बाद में जाके उन बिल्स को, उन रसीद को उसी फाइल एंड फोल्डर बनाइए, सिस्टमेटिकली वहां रखिए. बट अगेन, वॉलेट का एक रूल ये भी होता है कि नेवर कीप द सेम अमाउंट ऑफ डिफरेंट चेंजेस विद योर बिग करेंसी. देखिए, अगेन मनी इज द एनर्जी, और हर करेंसी की भी एनर्जी होती है. अब 2000 का जो नोट होगा उसकी एनर्जी अलग है, 500 के नोट की एनर्जी अलग है, और 10-10 के कॉइन्स होते हैं, 5 के कॉइन्स होते हैं, उनकी एनर्जी अलग होती है. तो नेवर कीप द सेम सारे एनर्जीज को एक साथ नहीं रखना है. अगर आप 2000 के नोट के लिए आपको सेपरेट सेक्शन रखना है अपने पर्स में. इसे आप रखते हैं मैन लोगों के वॉलेट में चेंज की एक पॉकेट छोटी सी अलग से होती है. तो चेंज हमको अपनी अलग रखनी है, हमको बिग जो नोट्स हैं वो अलग रखने हैं, उससे स्मॉलर नोट्स अलग रखने हैं. क्योंकि हर नोट की अपनी, हर करेंसी की अपनी एनर्जी होती है, तो वो मिक्सअप नहीं होना चाहिए, फिर वो एक मैस क्रिएट करती है. इसके अलावा मैंने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट किसी वीडियो में बता चुकी हूँ दो बार, कि एक उपाय मैं बताती हूँ आपको. मैं जैसे आपने कल की वीडियो में फोटोग्राफ देखी थी,
वो मेरे घर की ही फोटोग्राफ थी, मैंने दुर्गा जी के सामने आप रोज़ के पेटल के ऊपर कपूर की 2 टैबलेट एवरी इवनिंग रखिए, ठीक है, 40 डेज तक इसका ये करिए। मेरी तो खैर ये रिचुअल, मेरी तो हैबिट बन गई है, बट जो लोग रोज़ नहीं कर सकते वो अपने रोज़ के पेटल्स के ऊपर कपूर की 2 टैबलेट्स को रख के हर इवनिंग दुर्गा जी के सामने उनको रख दीजिए। इफ़ यू वॉन्ट टू डिमांड समथिंग भगवान से, आप डिमांड कर सकते हो कि भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे ये फ्लो आए। इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू डिमांड, मैं तो जो रखती हूँ मैं सिंपली कि मेरे घर से कोई भी नेगेटिविटी जो है, माँ दुर्गा मेरे घर की नेगेटिविटी को दूर करना, तो उस नेगेटिविटी में जो नेगेटिविटी का फ्लो पैसों के लिए भी होता है वो भी ऑटोमेटिकली हील हो जाता है, दूर हो जाता है। लेकिन आप डिमांड भी कर सकते हो, कोई बुराई नहीं, भगवान से मांगने का हमारा अधिकार है, ठीक है। ये हमें सिखाया गया है भगवान से मांगते नहीं है, वो खुद देता है, बट ये रॉन्ग है। भगवान ही है जिससे हम मांग सकते हैं। यस, भगवान से एक बात चीज, एक बात और, जब भी आप पैसा कमा रहे हैं वो आ रहा है या आप कमा रहे हैं, अगर आप भगवान को अपने साथ रखोगे तो आप कभी भी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाओगे, ना आपकी नीयत खराब होगी। वो पैसा तब बुरा होता है जब हमारी कमाने की नीयत खराब होती है उसके साथ, कि किसी को, कि किसी का हमने अननेसेसरी हमने ले लिया, किसी का नुकसान करके हमने पैसा ले लिया, वो पैसा कभी हमको मतलब हमको अच्छा, हमारे साथ अच्छा नहीं कर सकता, ठीक है। हमेशा पैसा कमाने की नीयत हमारी पॉजिटिव होना चाहिए, और उसके साथ मैं हमारे भगवान की भी मतलब वो होना चाहिए कि हाँ, माय गॉड इज़ विद मी, आई एम डूइंग दिस वर्क, दिस स्ट्रेटजी, फॉलोइंग स्ट्रेटजी अंडर द गाइडेंस ऑफ माय गॉड। देखना इतना पैसा आता है और विद पॉजिटिविटी, और वो पैसा आपको फलता भी है और आप उसको इन्जॉय भी करते हो, क्योंकि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कब निकल जाता है, किसी ब्लॉकेज के फॉर्म में निकल जाता है, यू नेवर नो, ठीक है। तो अब मैं वीडियो एंड करने के पहले आपको यही कहूँगी कि आप मनी की रिस्पेक्ट करिए, मनी को इमेजिन करिए, आप मनी को विजुलाइज करिए, ठीक है, स्ट्रेटजी बनाइए, अपने गोल बनाइए, अफर्मेशंस दीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल वर्क करता है, ये जो इवनिंग वाला मैंने कैम्फर का बताया है आपको, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही है, ठीक है, बहुत बेस्ट, मतलब 99% गारंटी है, ठीक है। तो बिल्कुल आप मनी के लिए LOA इस्तेमाल कर सकते हैं, अफर्मेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, विजुलाइजेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एट लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, पे ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग, ठीक है दोस्तों। अपने ध्यान रखिए, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, हैव अ गुड डे।